दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। डीजे संचालकों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि प्रदेश शासन के द्वारा जारी आदेश जिसमें ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध और डीजे यंत्रों को 50% कम आवाज में चलाने के विरोध में ज्ञापन दिया। संचालकों का कहना है कि शासन के द्वारा लगा के प्रतिबंध के कारण डीजे संचालन से जुड़े लोग बेरोजगार हो। हाल ही में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया था जिसके अंतर्गत धार्मिक स्थलों पर और डीजे संचालक को अपने साउंड सिस्टम को 50% कम करने का आदेश जारी हुआ था। संचालकों का कहना है कि 50% कम साउंड होने पर उनका धंधा चौपट हो जाएगा। डीजे साउंड सिस्टम क्षेत्र से जुड़े लोग बेरोजगार हो जाएंगे जिनके कारण उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो वर्तमान जो गवर्नमेंट सरकार है उन्होंने एक आदेश जारी किया सुप्रीम कोर्ट का हवाला देखे कि जो डीजे 50% बजना चाहिए, लेकिन जो 50% जो हम लोग वार्तालाप बात कर रहे हैं उसको बोला जाता है। तो नागपुर से जितने भी मध्य प्रदेश के जो डीजे वाले हैं वो नागपुर से, क्योंकि एक डीजे पर 8 लोग रहते हैं जिससे उनका घर परिवार चलता है। तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आपको डीजे को प्रतिबंध या 50% करना था तो हमारा ये मानना था कि जो जहाँ से डीजे की सामग्री बन रही है, जो हाई लेवल पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है उसे बैन करना चाहिए, ना कि छोटे जो लोग हैं उन लोगों को बैन करना चाहिए आप लोगों। ये गवर्नमेंट से अनुरोध करते हम लोग यहाँ कलेक्टर मोदी से मिलने आए थे, हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो ये बताया कि सीएम साहब तक हमारा ज्ञापन पहुँचे और हम अनुरोध करते कि जो उनकी गाइडलाइन नहीं बनती है उनका पालन करेंगे। हमारी ओर से कोई ऐसी आहत ना होगी। ये डीजे का एक पूरे प्रदेश में हजारों लोग हैं जो जिससे जिनका रोजगार चल रहा है। शासन को भी आपने ज्ञापन दिया है, आगे शासन पर आपकी मांगे नहीं मानती है, तो आपका आगे क्या आरक्षण है? हम लोग पूरे प्रदेश लेवल का एक भोपाल में 27 तारीख को एक आंदोलन किया गया था, पूरे प्रदेश के लोग गए थे वहाँ पर, और इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार जो वर्तमान में उसको खुली चेतावनी दी जाएगी, क्योंकि बेरोजगार ऑलरेडी पहले से थी और इतने हजारों की संख्या में बेरोजगार होंगे तो रोजगार कौन देगा, उसकी क्या करेंगे।